दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए आईपीएल 2022 के 26वें मैच में लास्ट ओवर तक चले फुल पैसा वसूल मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से पटकनी दी। आईपीएल के इतिहास में मुंबई इंडियंस पहली बार 6 मुकाबले लगातार हारी है। दोस्तों अगर आप भी केएल राहुल को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल का 26वां मैच खेला गया और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हरा दिया। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के आईपीएल 2022 में लगातार यह 6वीं हार है। आईपीएल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब मुंबई इंडियंस ने लगातार 6 मैच गंवाए हों। अब मुंबई इंडियंस को प्ले ऑफ में पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो गया है। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले बैटिंग करने का निमंत्रण दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पहले बल्लेबाजी करने आई और केएल राहुल के कप्तानी पारी के दम पर लखनऊ ने दमदार खेल दिखाया। राहुल ने अपने आईपीएल करियर का 3रा शतक पूरा किया और 103 रनों की नबात पारी खेली। लखनऊ की ओर से क्विंटन डिकॉक और राहुल ने शानदार शुरुआत दिलवाई और पहले विकेट के लिए 52 रन जोड़े। क्विंटन डिकॉक के आउट होने के बाद राहुल ने रनों की रफ्तार को कम नहीं होने दिया। प्लेइंग 11 में शामिल किए गए मनीष पांडे भी 38 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। इसके अलावा अंत में दीपक हुड्डा ने तेजी से 15 रन बटोरे और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 20 ओवर में 199 रन बनाए। 200 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरे मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेकार हुई थी। कप्तान रोहित शर्मा की बुरी फॉर्म जारी है और सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस ने 31 रनों की पारी खेलते हुए कुछ उम्मीद जताई लेकिन वह भी आउट होकर पवेलियन चले गए। ईशान किशन और तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव भी अच्छी शुरुआत मिलने के बाद अपना विकेट फेंकते चले गए। मुंबई इंडियंस को आखिरी 5 ओवर में 75 रन की जरूरत थी जिसके बाद कायरन पोलार्ड ने मोर्चा संभाला। पोलार्ड ने एक तरफ से लगातार बाउंड्री की बरसात की लेकिन आखिर में आकर जयदेव उनादकट भी कायरन पोलार्ड का साथ निभाया। जयदेव उनादकट ने पारी को 19वें ओवर में छक्का और 2 चौका जमाए जिसने मैच का रुख पलट दिया। जेसन होल्डर के इस ओवर में मुंबई इंडियंस ने कुल 17 रन बटोरे। मुंबई की जीत के लिए आखिरी ओवर में 26 रन की जरूरत थी लेकिन पहली बार पर जयदेव उनादकट रन आउट हो गए। वहीं दूसरी बाल पर मुर्गन अश्विन आकर 6 रन मारा। तीसरी बाल पर मुर्गन अश्विन रन आउट हो गए। चौथी बाल पर 0 रन आया। वहीं पांचवी बाल पर कैरम पोलार्ड भी आउट होकर पवेलियन जा चुके। 20वें ओवर की अंतिम बाल पर 0 रन आए। इस तरह लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 18 रन से मैच को जीत लिया। गाइज आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस की टीम इस आईपीएल सीजन में कितने मैच जीत पाएगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही टाटा आईपीएल 2022 के हाईलाइट्स से लेकर क्रिकेट की तमाम छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।